चरित्र का नाम नहीं है बल्कि कबीर एक संपूर्ण जीवन दर्शन का नाम है। और हमारा उद्देश्य यही है कि ये यात्रा जो बीकानेर के 6 स्थानों पर होगी, कबीर जी जिस प्रकार से ये कहते थे कि मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तो अपने अंदर जो घट में विराजमान राम है उस राम की खोज को ही इस कबीर यात्रा के माध्यम से हम कर रहे हैं। कैसे बसे जैसे तिल्ली में तिल, ज्ञान की चक्की फेर के तू देख ले उसका खेल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देख मैं चली कुछ भी हो गई लाल। लाली में बहुत बड़ी गहराई है क्या? मेहंदी के पत्तों में लाली है किंतु दिखलाती नहीं, और आकाश में है हवा पर नजर आती नहीं। वो कहाँ बैठा है उसको कहता है? जैसा एक दरिया है, दरिया समझते ना, अभी उसमें जो बड़ा मोजा लगता है लहर, उसको आकर के कोई हवा का बड़ा झोंका लगे और उसमें से छींटे उड़े, तो छींटे कितनी देर कहा जाते हैं? जितनी देर अलग है लहर, ये सब छींटे हैं उड़े हुए, उड़ करके जितनी देर अलग है फिर वापस आकर के उसमें मिलने वाले। और वो जो सृजनहार है कायनात में पहली सबसे जो शय पैदा हुई है वो इश्क है। वाह, जब उसको इश्क लगा तब उसने पूरा ये सृजन किया है। क्या बात, अगर इश्क न होता तो कुछ न होता। वाह वाह, तो ये शायर जो है होशियारी क्या रहे आजादिया जग से, रहे आजादिया जग से,
निरो ओ भजन तेरे कुड़क रहो गाडो 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 अरे भजन निरो अरे भजन निरो टकटका 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 मैंने तो छोटी थी ना जब भी हमने कबीर इन ब्रह्मानंद जी सब हमने हमारे हृदय में धर लिया आज हाँ देखो अपर खतर जहाज और आ गया चढ़ो चढ़ जा बोले जहाज आ गई अपने लिए जहाज चलाने वाले अभी आप हो अरे शब्द रूपी आप शब्द रूपी जहाज चला ही रहे हो ना अरे वाह बेलाद भाई साहब जी क्या बात है हम आपके शब्द रूपी जहाज पर बैठे हैं चला आप वाह हम क्यों ना यहाँ जो सभा में इतने लोग यहाँ आए हैं यात्रा में सबसे पूछ रहा है यहाँ जुड़ के क्या लगा कुछ अच्छा लगा या कुछ भी बात अगर आप बांटना चाहें यहाँ को लेकर अगर बात करूँ तो दो शब्द हैं एक मुझे लगा सेलिब्रेशन और दूसरा मुझे लगा सर्च मुझे लगा ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेलिब्रेशन एंड सर्च का एक्सपीरियंस है यहाँ पर लेकिन और कुछ समय में लग रहा है शायद अब मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि इट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ सर्च हम लोग इतना रास्ता तय करके यहाँ आए तो इस यात्रा में यही मिलता है हमारे कवि ने कहा है कि आऊं तू आई असी ये चारे चित्ता लाए मैं हूँ तू है तुम हो या हम हैं ये चार जो शब्द हैं तो संधि दो जक भाए तो कि असल ओड़ी नहीं थी
कि तू इन चार बातों को छोड़ दे और उससे मिल जा तो बस ये नरक का जो खौफ है तुझसे निकल जाएगा और तू उसका कुर्ब हासिल कर लेगा। वेरी लवली, थैंक यू। यस, द मिरेकल ऑफ कबीर इज दैट ही इनवाइट्स अस टू ओपन अप आवर हार्ट्स लाइक अ कप, नो, टू द डिवाइन लव. And this is a very beautiful shortcut because it's healing the love we didn't receive from either our parents, and then we are back to connecting to our own essence, the divine. So there, I weep quite a lot when I'm here, no? So, and I see other people also having, you know, tears. शब्द पहचानो हंसा भाव से और रहना रे जुग संसार भावरा भाई ना हो जी अरे रहना रे जुग संसार भावरा भाई ना हो जी और वीरा रे गगन मंडल भाटी यू कड़े अरे पिए मारा सिर जन हार भवरा भाई ला हो जी कोई पिए मारा संत सुजान भवरा भाई ला हो सिगरेट का, गांजा का, भांग का, चरस का, अफीम का, उनके नशे क्षणिक हैं और वापस उतर जाते हैं। तो कम से कम ऐसा नशा करो कि दिन पे दिन वो नशा चढ़ता रहे, कम ना हो। और वो नशा है प्रेम का, वो नशा है संतों के शब्दों की चोट का। ए दिल लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बला, गोपाल को लगी थी ये कबीर यात्रा राजस्थान में हम करेंगे, और जो लगी तो फिर बाद में देखो सबको लगा दी, और जब सबको लगा दी तो देखिएगा आज अपन अपने ठंड में भी देखो लागी लागी सब कहने लागी बुरी बला, अरे लागी सो ही जान जे जब आर पार हो जा। भजन की जिनको लगे उनके नाम ये है। ए
हमें क्यों नहीं लगी, क्योंकि हमारा गेला, हमारा रास्ता किधर है ये आप अपना सुने। हाँ गेला में यो घायल घूमे रे गाँव नजर नहीं आई।
yesterday when I arrived here, I was traveling a lot. I went to many, many places. And and it is almost like I was in a continuous movement, you know, hurrying, because I finish concert, go back, pack my bag, go to another place, wait in the airport. Airport also security check, you have to stand long time and continuously, you know, rushed. When I came to concert, the first sound that came to me was Prahladji's singing. And I sat down, you know, I almost could not stop my body. You know, it's rushing along with my mind. So I sat in the chair and listening to him. The first thing that happened to me, I have no pain, I have no feelings inside, but I started crying, non-stop crying. And my body was relaxing through tears. I needed that. Because it is not like staying in the city and listening to a concert. You are directly relating with the life. The environment, the lifestyle is slow. So you let your body come into that movement. And then you let this music enter your body. This music is not just to listen and okay, acha hua, aisa nahi hai. This is, it completely works on your body through all your cells. And it has a tremendous healing effect. And you really settle with the music and let the music flow. And that is called surrender. This experience, surrender is a bigger experience. But this is the first experience, entrance, like a gate of surrender. You are surrendering your body, your mind. And to whom? It's not to anything, you know. It is the truth which has been spoken through the years by the great masters. And we are surrendering to that. We are surrendering to ourselves. Mona chalo. Nijo niketa. Good.
পথে রাজার বড়ই প্রতাপ সমন দমন যার শোনে মন চল সংসার বিদেশে বিদেশীরা